नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आकर्ष आई एस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह को एक षडयंत्र कहा? जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने कहा था। दूसरा प्रश्न, किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? जमींदार ने भाग नहीं लिया 1857 के विद्रोह में। और 1857 के विद्रोह के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताइए, एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा का नाम बताइए, तो एनी बेसेंट। और किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक ज्योतिबा फुले ने क्या की? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार का। खुदाई खिदमतगार के सदस्य को लाल कुर्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती। और लाल कुर्ती संगठन के संस्थापक अगर कहा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार, जिसको सीमांत गांधी कहा जाता था। क्या कहा जाता? सीमांत गांधी। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे प्रथम विदेशी व्यक्ति थे जिसे भारत रत्न दिया गया। और दूसरे व्यक्ति विदेशी थे नेल्सन मंडेला। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई? 1913 में। लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी ने दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में करो या मारो, डू और डाई का नारा दिया गया था, महात्मा गांधी ने दिया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी के द्वारा दी। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 ईस्वी में की थी। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। 1893 में विश्व हिंदी सम्मेलन में उन्होंने शिकागो में भाषण दिया था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन है? मिन्हास उस सिराज था। तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिन्हास उस सिराज था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। यहाँ पर दोस्तों लाल किला होगा, यहाँ पर सिर्फ लाल लिखा हुआ है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने किया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बम्बई में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? बम्बई में। 1905 में मंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। और ए हुम इसके संस्थापक थे और असैनिक सेवक थे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी? उधम सिंह ने मारी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी को। इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव टू से अगेन, हैव अ नाइस टाइम दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव टू से अगेन, हैव अ नाइस टाइम दोस्तों।